से धोखा खाया। मैम क्या हो? मैम आपकी तबीयत ठीक? जोया मैम आप ठीक है? आप उनके हस्बैंड को बता दी, उनकी जान को खतरा है। किसको फंसा रहा है हादी? कुछ हमें भी तो पता चले। नहीं, किसी को तो नहीं। चची आप तो जानती है ना, हादी कभी भी किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। कामी, कामी, कामी मेरा बच्चा आ गया। कामी तुम आ गए? मुझे लगता था तुम जरूर आओगे, मुझे पता था तुम आओगे। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? भाई कहाँ चले गए थे आप? आइंदा मुझे अपने पहले हाथों से मत छूना। बेटा उसे अभी कुछ मत कहो, उसे जरा संभालने दो। मेरा बेटा आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा आ गया। कामी, कामी बेटा इस्त्री कर ली हो तो आ जाओ बाहर, रोटी डाल दूं तुम्हारे लिए। आ गया मेरा बेटा। सदके जाऊं बारी जाऊं। तुम्हें पता है जब तुम नहीं थे ना तो मैं तुम्हें रोज ख्वाब में देखती थी। तस्बीह पढ़नी मैंने नहीं छोड़ी। मेरा भी तुम्हारे बगैर कहां जी लगता था माँ। अच्छा मैंने ना खाना बना लिया। भूख नहीं है बेटा, थोड़ा सा खा लो मेरी खातिर। ठीक है अभी लाई। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे यार कोमल, तुम्हें सब मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। क्या हो गया अगर वहां थोड़ा सा काम कर लिया तो? अहमद मेरी बात सुने, आप मेरा वीजा भेजे, मुझे वापस बुलाएं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपकी अम्मी पता नहीं मुझे क्या क्या बातें सुनाती रहती हैं। पैसे आप नहीं भेजते और बातें मुझे सुननी पड़ती। तो नहीं आपने मुझे भेजा ही क्यों था यहाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वापस बुलाएं। पता है क्या, मुझे लगा था तुम मैच्योर। नहीं हूँ मैं मैच्योर। अगर इतनी मैच्योर होती ना तो आपसे शादी ही ना करती। क्या आप वो गाड़ी बेचने की सोच रहे? क्या आने जाने पे हम मोहताज हो जाएंगे? अब तुमने कौन सा कोई उसे
असली सोना चढ़ाया था, इसलिए बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी बेच देंगे तो हाथ में कुछ पैसे ही आ जाएंगे, और अहमद ने भी यही कहा है। क्या इसका मतलब है अहमद इस महीने भी पैसे नहीं भेज रहा? नहीं, ये उसने पहले ही बता दिया। अरे कारोबार चल रहा होता तो तब पैसे भेजता ना, हमारी तो किस्मत ही खराब है। और आपने ये कोमल को बाहर क्यों भेज दिया? घर में इतने काम पड़े हुए थे। अरे भाई उसको पासपोर्ट का अपना काम था। भाड़ में जाए पासपोर्ट, अहमद ने तो साफ साफ कह दिया कि उसको वापस दुबई नहीं बुला रहा, पासपोर्ट की क्या जरूरत है? आओ बेटा बैठो। क्या कह रही थी आप? मैं जो भी कह रही थी ना अपने शौहर से कह रही थी, हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरे पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं। हमारा दिमाग मत खराब करो, मेरे बेटे पर बहुत जिम्मेदारियां पड़ी हुई हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो, कुंवारी एक बहन बैठी हुई है घर में। मुझे ये सब बातें ना बताएं, आप लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि अहमद मुझे बुलाएगा या नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं सारी जिंदगी इसी घर में पड़ी रहूं। तो क्या कर लोगी? कोमल बेटा रहने दे, आपने भी सर पे चढ़ाया हुआ ना, इसलिए बकबक करी जा रही है। कभी जुबान को लगाम भी दे लिया करो। मैं ही लगाम दूं है ना, बाकी तो सब बकबक करे जा रहे हैं इस घर में, आना एक है नहीं जेब में। हाँ कोमल बोलो। अर्सलापी आप मुझे लेने आ सकती हैं? खैरियत सब ठीक है? सब ठीक है ये नहीं, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन लगता है मेरा इम्तिहान शुरू हो गया। क्या मतलब? कौन सा इम्तिहान? वही जिसका हादी को इंतजार था। क्या हुआ है अहमद का? सुना है बाप? क्या सुना था मैंने, अब्बा का घर भी बेच दिया। वो उसी के नाम पर था। बात कर रहा हूं ना मैं, मुझे बात करने दे। आपकी ढील की वजह से ये साल को पहुंची, पूरा खानदान इस हाल को पहुंच गया। कौन देगा इस घर को लड़की जिसकी बेटी की ये चलन हो? अब तो इसकी अच्छी नौकरी लग गई है, बच्ची अस्पताल में है, तुम मामू उस बच्ची के बहन की बच्ची को ही देखा हो जाके। अच्छा, और उसका बाप क्या कर रहा है दुबई में? ऐश पता चला ना बेटी हुई है तो तलाक भेज देगा इसको फौरन। शौक पूरा हो गया तुम्हारा हा? बाप दादा की इज्जत मिट्टी में मिला के? बेटी बीमार है। कितनी बीमार है कुछ पूछ रहा हूं ना? कामिर सा दिल का मसला। ओ फिर तो बचना मुश्किल है। क्या कामी बचा के करना भी क्या है, कल को तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेगी? ए, मेरे सामने ज्यादा टशन नहीं समझी? अब वही होगा जो मैं बोलूंगा। पानी दो पानी।
क्या हो गया है तुम दोनों को? क्या हो रहा है? ये आपके सामने बैठकर मेरी बेटी को बदवाए दे रहा है और आप कुछ नहीं कह रही? हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, मेरे सामने ज्यादा पारसा बनने की जरूरत नहीं है, समझी तू? माँ हो ना, बताओ जाके बाप को, खबर करो ददियाल को। अब तक तो आप कहें वापस आ गए तो ये सारी बातें। हाँ तो इन्हीं हरकतों की वजह से तो गया था मैं। तुम ही चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कायनात, तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ पी लो पानी। मां समझा लो इसे, मैं कह रहा हूं समझा लो। चुप हो जाओ कामी, बस चुप हो जाओ। कोमल बेटा, तुम कब आई हो? बस अभी अरसाप ही मुझे पिक करते हुए ले आएंगे। सास से पूछ के आई हो? बेटा ये अरसला वरसला की बातों में ना आया करो। तुम्हारा माशाल्लाह अपना घर है, घरस्ती है। घरस्ती तो घर वाले से बनती है अम्मी। हाँ हाँ, तो अब तुम भी तो मेहमान हो यहाँ पे। उधर तुम्हारा मियाँ वीजा भेजेगा, इधर तुम चली जाओगी अपने घर। अच्छा, को सब पता है? हाँ, होती है मेरी अहमद से बातचीत, मुझे बता रहा था वो। और तुम्हारी सास का फोन आया था, कौन से कंगन रखवाए तुमने मेरे पास? मैं उन्हें वो कंगन कभी नहीं दी, चाहे कुछ भी हो जाए। को पता है, तुमने जो कुछ कहा था सब ठीक कहा था। ये ऐसा खेल है जो अभी सिर्फ शुरू और शायद मेरे साथ ही खत्म है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो बेटा, मैं नहीं मान सकती ये। आप मान नहीं सकते क्योंकि आप मानना चाहती नहीं हैं, अपनी ख्वाबों की दुनिया में ही रहना चाहती। ठीक रहिए। देखो बेटा, तुम अपना दिल खराब ना करो, उसका काम चल जाएगा। मैंने तो वजीफा भी शुरू किया हुआ है उसके लिए। कांटे बोने से फूल नहीं उगते अम्मी, बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है, वजीफों से कुछ नहीं होता। हरेमत क्या कर रहा है? वो भी अपने किए को ही भुगत रहा है। उसने कुछ बुरा नहीं किया, ये खराफात डालती है ना ये अरसला तुम्हारे दिमाग। अरे भाई, नहीं पसंद थी बीवी, उसने छोड़ दी, तुम्हें छोड़ा है उसने। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे लिए भी कोई ऐसी बात करता, तुम्हारे तो पीछे दीवाना बन बन के घूमता है। आपका बस एक ही राग है अम्मी, पैसा पैसा और बस पैसा। लेकिन कब तक? हाँ कब तक? रेशम का कीड़ा अपने ही तार में फंस के मर जा। क्या आप यही चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? बताएं, मारना चाहती हैं मुझे? कोमल, माँ का हाथ छोड़ो, माँ के साथ ऐसा नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया मेरे से? कोई इनसे क्यों नहीं पूछता क्या था वो सब? मुझ पे दे दो सारा इल्जाम। हाँ तो और किस पर अम्मी, और किस पर? क्या किसी सितारे की साजिश थी? ये सब कुछ आपने किया है, तो फिर आप इस सब की जिम्मेदारी भी कबूल करें आप? तुम चुप रहो, मुझे इससे बात कर रहे थे। हाँ बेटा बताओ, वहाँ क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता, जो होता है सब झूठ। हाथी ने जो कहा ठीक कहा था, वो उसकी कही हुई हर बात सही थी। वो जो बाहर से वही अंदर से, लेकिन मेरा ससुराल ऐसा नहीं। लोग जो दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं है वो। मैंने इनकी बातों में आके ये बहुत बुरी है, वो बहुत बुरी है। कोमल, जब आओ तुम यहीं पे ही होती हो, अपने घर पे दिल नहीं लगता क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो अहमद से बात हुई थी तुम्हारी,
इन्होंने फोन किया था वो उठा नहीं रहा था। अगर कुछ कहना है तो मुझे बता तो मैं कहती नहीं। क्या मतलब नहीं? जब इंसान इन्वेस्टमेंट करता है ना तो रिटर्न का इंतजार करता है, और वैसे भी हम डॉलर में तो कमाते नहीं हैं, पाकिस्तानी रुपयों में कमाते। 80 लाख रुपए दिए हुए उसे तो ना देते। तुम बहन हो, अच्छा छोटी बहन हो तो फिर ये हिसाब किताब कैसे? छोटी बहन तुम हो। पहली बात तो ये कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए। अब जब आ ही गई हो तो जाने की फिक्र करो। देखो तो कर क्या रहा, मेरे पैसे वापस करेगा भी या नहीं? आपके पैसे लेके भागेगा नहीं वो, हमें आपसे पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे। फल्लाह आप भी ना। क्या आप भी? एक तो मदद करो, ऊपर से इसकी जबान सुन लो। क्या हुआ, क्या हो रहा है? बस मैं घर जा रहा। क्या हुआ, सब खैर है ना? अम्मी बस मैं भी चलती हूँ, उनका मूड बहुत ख़राब हो गया। बात करती हूँ आपसे, फ़ोन करूँगी आपको। कामी पूरे घर का खर्च चला रही है वो, और उसकी बच्ची की हालत ऐसी है, अगर तुम उससे उलझोगे ना तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। अल्लाह किसी को बिना औलाद का गम ना दे। हाँ तो उसने कौन सी माँ बाप की दुआएं कमाई है? वो बेगैरत पड़ा रहता था और आप उसके किए पर पर्दा डालती थी। भुगत लिया, देख लिया नतीजा। कहता था मैं वफा नहीं है उस आदमी में, लूट रहा है वो कायनात। इसे कैसे रिश्ते ठुकराए? माँ हम गरीब जरूर थे, बेगैरत नहीं थे, उसकी वजह से बेइज्जत भी होना पड़ रहा है। हर शख्स को अपनी करनी भुगतनी होती है, अब उसे मनमानी नहीं करने दूंगा मैं। अरे बच्ची आ रही है, किसकी है, कहां से आई है, उसका बाप कौन है, सब पूछेंगे ना। इस रोग को भी पालेंगे, अगर तो बच्ची मर गई तो ठीक है, वरना ये कड़वा घोट पीना पड़ेगा कायनात को। हमने भी उसकी वजह से जहर भरी जिंदगी गुजारी। पढ़ा रहा हैदराबाद में, नौकरी छोड़ दी, नहीं सही जा रही थी जिल्लत, हद होती है। वो ना मर्दू छोड़ रहा था ना रख रहा था, भाइयों की इज्जत का तो जनाजा निकल जाता। अरे हमें बता देती, हम लेने आ जाते तुम्हें। नहीं, ऑफिस की गाड़ी आ गई थी, लाओ इससे मुझे। इस दिन के लिए, इस दिन के लिए जिद कर रही थी। क्या बदतमीजी है? पासवर्ड दो इसका। मैंने कहा पासवर्ड दो इसका। देखो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। चलो, कामरान बात कर रहा हूँ। कौन कामरान? तेरा बाप। तमीज से बात कर, आवाज नीचे, मुझ पर चिल्लाएगा। कायनात का भाई हूं मैं, बेटी हुई है उसकी, तेरी बेटी। अब बता मुझे, तेरे घर आकर फेंकूं या तेरे घर वालों का आकर सर फाड़ूं?
कोई जरूरत नहीं थी इसकी। जानती हूं जिस भाई की बहन भागकर शादी करती है ना, लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। मेरे कान पक गए ये सुन सुन कर। अब मैं ये जिल्लत नहीं सह सकता। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। जी कहिए। बेटा अब क्या करना है, पैसों का यहाँ पे तो हालात बड़े मुश्किल हो गए। अरे आपसे कहा तो है सोना बेचते हैं फिर बना दूंगा। कोमल जो है ना वो सोना छुपा के रख रही है, दे नहीं रही, कैसे बेचूंगी मैं? नहीं दे रही तो फिर उसको बोले भाड़ में जाए। मेरे पास ना आप लोगों के लिए कोई सलूशन नहीं है, थक गया हूँ मैं। हेलो जी, मैं अहमद बात कर रहा हूं। हमारे भाई का फोन आया था इस नंबर से। हेलो कर रहे हो? क्या मतलब, होश में दो तुम? यहाँ पर हम बैठे बातें कर रहे थे और बातें करते करते तुम सो गए। तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। क्या हुआ है कुंदन, ऐसे परेशान क्यों खड़ी हो? जिंदगी में भी कोई किसी का नहीं। ये रिश्ते होते ही बड़े नाजुक हैं,
इनमें पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ हीरा का शौहर बहुत अच्छा है, पर बिजनेस के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता। काश मैं कोई जॉब कर सकती, कुछ कर लेती। आप मुझे कितना कहती थी कि आगे बढ़ लो। मैं आदि से कहूंगी वो हीरा को पैसे दे दे, तुम कहना तुमने दिए, ठीक है? अगर मैं अब उसकी कौन? एक अच्छा सवाल है, let me think, कि कौन आती की है? आप भी सोच में पड़ गई, मैं अब उसकी कोई नहीं। तुम मेरे तो बहन हो ना, इतना काफी नहीं है? तुम्हें टेंशन किस बात की है? रिलैक्स, सब ठीक हो जाए, ये भी हो तुम्हारे साथ। क्या हुआ? खाना नहीं मिलता जो नाखून चबा रही? वो अहमद की कॉल आई, घूर क्या रही हो? कुछ पूछ रहा हूं ना। मैं तुम्हें कुछ बताने की पाबंद नहीं। पाबंद हो? बाप भाई की इज्जत से खेलने का लाइसेंस मिल गया था, हमारा कितना नुकसान किया तुमने? हिसाब है तुम्हारे पास? हिसाब की बात ना करना मुझसे, क्योंकि मैं हिसाब में बहुत अच्छी हूँ, और अगर मैं हिसाब करने पे आ गई ना, कर्ज नहीं उतार पाओगे तुम। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुम चाहते क्या हो। इतनी मुश्किल से अपने पाओं पे खड़ी हूँ, बनिस्बत कि मेरी मदद करो, तुम तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो भाई। बस बस, जब इज्जत ही ना रहे तो ये सारी बातें बेकार होती हैं। पहले तुम्हारी वजह से और अब इसकी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन ना तुम्हें पहले एहसास था और ना अब होगा। क्यों? ताकि शादी हो। इस बीमार बच्ची के साथ कौन करेगा तुमसे शादी? इतनी सी बात भेजे में नहीं आती। जो लड़की अपने घर की नहीं होती वो आश्रव से ठीकरे की ढली समझता है। अपना घर बसाओ और निकलो यहां से। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हें अपनी जितनी मनमानी करनी थी तुमने कर ली है, तुम्हारी एक भी नहीं सुनी जाएगी। एक भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब मैं करूंगा, बस। मजाक नहीं है मेरी जिंदगी भाई। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, मजाक नहीं है, जिंदगी है ये। हम कोई पहाड़ पर नहीं रहते, यहाँ हर बात पर जज किया जाता है। लेकिन तुम नहीं समझोगी ये बात। नंबर है मेरे पास अहमद का, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसे यहाँ आना पड़ेगा, वो आए तलाक मुकम्मल करे और ले जाए अपनी बेटी को यहाँ से, ले जाए ददियाल। ये ददियाल नहीं जाएगी। अच्छा, ददियाल नहीं जाएगी? मुझे इस घर में अब ये दूसरी लड़की नहीं चाहिए, समझे तुम? जानती हो जिस भाई की बहन भागकर शादी करती है ना, लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। मेरे कान पक गए ये सुन सुन कर। अब मैं ये जिल्लत नहीं सह सकता। पागल हो गया।
अरे आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? ऑफिस तो आना ही था आधे। ट्रू, बच्ची की तबीयत कैसी है? बेहतर है, घर आ गई है वापस। चलिए मैं के शुक्र है। और बाकी सब कुछ खैरियत है? आई मीन कुछ ठीक नहीं है, सब गलत ही है। क्या हुआ? आई मीन आप अगर चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, छोड़ इन सारी बातों को। मेरा ऑफिस आने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि आपका अमाउंट रीइंबर्स बहुत जल्द हो जाएगा। क्या हो गया आपको? इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। पर मुझे है, मेरा आपसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि आप मेरे ने इतनी तकलीफें उठाए। ऐसा क्या हो गया? आपको तो खुश होना चाहिए। किस लिए? माशाल्लाह यूर मदर नाम। बल्कि हम तो सोच रहे थे कि आप आएंगी तो कोई छोटा मोटा सेलिब्रेट करेंगे, आप बस वो एकदम से आ गई। जुदी, मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। आई एम सॉरी। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। उसके अलावा आज एचआर में सलीम साहब से मिल लीजिएगा। ओके। यार मुझे लगता है ये नीचे आने में ना टाइम लेगा, क्या करें? वेट करिए, चले जाने। हार्दिक के पास गाड़ी नहीं है। क्यों इतनी अपसेट फील हो? क्या बताऊँ, एक तो मेरी अपनी लाइफ इतनी अपसेट चल रही है। बोलो। हंसी है, इसको कॉल करूँ और बोलूँ कि भाई बाहर आ जाए? हेलो, हाँ हादी, मैं और कोमल तुम्हें पिक करने आए हैं, बाहर खड़े हैं, प्लीज़ आ जाओ जल्दी से। वॉट? क्या मतलब है इस बात? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम चले जाते हैं। नहीं कुछ मतलब नहीं है, मैं आ रहा हूँ नीचे, लेकिन अर्सला मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अच्छा जल्दी से आओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। आ रहा हूँ। इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? क्या हो गया? तुम मेरी कसम से कभी कभी बहुत फजूल बातें करती हो। तो फिर उसे मेरा आना अच्छा क्यों नहीं लगा? अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी मस्ती करता है तुम्हारे साथ। आने साहब। हाँ भाई, कहाँ घूम फिर रहे हो? भाई मैंने और कोमल ने फ्रूट चाट खानी थी तो उससे कहा तुम्हें भी पिक कर ले। सो हेवी आ। थैंक यू। कोमल तुमने इतना मुंह क्यों बुलाया हुआ? तुम्हें कोई पसंद आ गई है क्या? फिलहाल तो नहीं, लेकिन इरादा है। क्यों नहीं होना चाहिए? हादी फजूल बातें करना जरूरी है? तुम फजूल में उसको तंग करते रहते हो। अगर बेटा है तो आपको उसको समझाना चाहिए। बस वो आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी मनमानी करेगा, कुछ भी करेगा। मेरी गलती क्या है कि मैंने एक गलत शख्स से शादी की थी? आहिस्ता बोलो, आप मुझे डरा रही हैं। मैं आहिस्ता क्यों बोलूं? ये घर मेरा, ये छत मेरी, और आप मुझे डरा रही हैं। मैं डरा नहीं रही हूं, तुम्हें समझा रही हूं। घर तुम्हारा है लेकिन बेटा तो मेरा है ना। अगर तुमने मेरा साथ दिया है कायनात तो मैंने भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब तुम क्या चाहती हो कि इस उम्र में मैं दोबारा अपने बच्चे को खो दूं? अगर आप चाहती हैं आपका बेटा यहाँ रहे आपके साथ तो रखें उसको, खुशी से रखें। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर वो मेरे मामलात में नहीं बोलेगा। अम्मी बोलेगा वो जरूर। अगर तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं तो क्या हम भी तुम्हारी तरह पागल हो जाएं? नहीं कायनात, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम। मेरे सर पर दो दो बच्चियों का बोझ है। जिस तरह तुम इसकी माँ हो ना, इसी तरह मैं तुम्हारी माँ हूं। अब मैं अहमद को छोड़ूंगी नहीं, इस बार उसे खुली छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी।
कामी ने मुझे सारा कानून समझा दिया है। खेलो बेटा। थैंक यू अमीन। कोमल बहुत उदास है। तुम्हारे चचा ने मुझसे कहा है कि उसे संभालो। आज तो अपनी माँ से उलझ पड़ी और तबीयत भी खराब हो गई उसकी। क्या करें भाई, मैं तो समझती हूँ कि अगर लड़की खुश नहीं है तो खत्म करे इस शादी को। कुछ कह तो नहीं रही लेकिन बहुत बुझी बुझी सी है। ताई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, जरूर बातें करेंगे। मैं जरा सबके लिए चाय बना लूं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। बैठो बेटा। कोमल, क्या बात है? तुम मेरे साथ भी शेयर कर सकती हो, बता सकती हो मुझे। देखो कोमल, इस दुनिया में ये एक वाहिद रिश्ता है जिसके बारे में कानून बनाया गया है। कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। तुम उस रिश्ते को बिला वजह इतना मत खींचो कि ये नासूर बन जाए। सोचो इस बारे में, अभी भी कुछ नहीं बदला। कैसे हो? कौन? वही जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, तुझे सीने से लगाया था कभी। क्या सितम है कि, क्या सितम है कि, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया।